पाकिस्तानी खिलाड़ी बने शार्दुल ठाकुर के मुरीद और किस तरह उनकी तारीफ कर रहे हैं आज आपको देखना चाहिए। ओवल मैदान पर भारतीय टीम ने 50 साल बाद टेस्ट मैच में जीत हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत के हीरो रहे शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। शार्दुल ठाकुर के इस बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ हर ओर हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी शार्दुल ठाकुर को लेकर बड़ी बात कह दी। अपने YouTube चैनल पर टीम इंडिया की जीत और शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन को लेकर इंजमाम उल हक ने कहा कि शार्दुल ठाकुर आकर्षक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक प्रभावशाली खिलाड़ी है। जब भी टीम को रनों और विकेटों की जरूरत होती है तो शार्दुल ठाकुर अपना योगदान देते हुए नजर आते हैं। पहली पारी में उनके द्वारा लगाया गया अर्धशतक काफी अहम था, क्योंकि अगर वो ये पारी नहीं खेलते तो भारत 130 रन ही बना पाता और इस प्रकार से वापसी नहीं कर पाता। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी पारी में भी शार्दुल ठाकुर का अर्धशतक महत्वपूर्ण था और उन्होंने अंतिम दिन भी इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का विकेट लिया। इस मुकाबले में जब भी खेल बदला उसमें शार्दुल ठाकुर ने अपना किरदार निभाया। आपको बता दें, शार्दुल ठाकुर ने ओवल टेस्ट की पहली पारी में 57 रन और दूसरी पारी में 60 रन बनाए और गेंदबाजी में उन्होंने मैच की दोनों पारियों में 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी शार्दुल ठाकुर को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शार्दुल ठाकुर का अर्धशतक सबसे बड़ा फर्क रहा। इसके अलावा जब उन्होंने दूसरी पारी में काउंटर अटैक किया तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा। शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में जो किया उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इंग्लैंड की टीम हमें जल्द से जल्द आउट करना चाह रही थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो आप भी शार्दुल ठाकुर की इस बेहतरीन पारी पर अपनी राय जरूर रखिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।